रामनगर वन विभाग के कालाढूंगी रेंज क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल छोरा जाली गांव में 35 साल की घना देवी सुबह घर के आंगन में साफ सफाई कर रही थी, तभी अचानक गुलदार ने महिला पर हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी और गांव वाले इकट्ठे हुए और ग्रामीणों द्वारा महिला को गुलदार के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल महिला को कालाढूंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। आपको बता दें, कालाढूंगी में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुलदार ने ग्रामीण क्षेत्र में 5वीं बार ग्रामीणों पर हमला कर उनको घायल किया है। इससे पहले भी छोरा जाली गाँव में बाइक सवारों पर गुलदार द्वारा हमला किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि नर व मादा गुलदार ने काफी समय से ग्रामीण क्षेत्र में आतंक फैलाया हुआ है। इसके लिए कई बार वन विभाग को सूचित भी किया, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के कारण गुलदार ने फिर से 5वीं बार हमला कर दिया। वहीं इस मामले में वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश जोशी का कहना है कि जल्द से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। 5:15 से घटना हुई, उसके बाद चिल्लाई पुकारी तो गांव वाले गए, इनके पड़ोस में हस्बैंड और इनके अगल बगल वाले गए और उसको पकड़ के लाए, हमें घर ले गया है। तब तक तो बेहोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 108 में फ़ोन करा, उसको हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ एडमिट करा। उसके बाद हमने जंगलात वालों को फ़ोन करा, वो अभी आए। हमारी जंगलात वालों से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए वो गश्त करें, पिंजरा लगाएं, कुछ भी करें, मतलब हम लोगों को जो है उसके लिए वो करा जाए, उसको मुआवजा दिया जाए और गाँव की सुरक्षा की जाए। चारों तरफ जो जंगली जानवर आ रहा है, हर आदमी परेशान है। इससे पहले भी 15-20 दिन पहले फिर अटैक हुआ है, 3-4 लोग गाड़ी में जा रहे थे और हमने इससे पहले भी शिकायत कर रखी है। अभी भी हम पिंजड़े की शिकायत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और जो भी दिक्कत हो, मतलब गाँव वालों की आने जाने में परेशानी हो रही है हम लोगों को। छोटे स्कूल के बच्चे हैं, वो निकलते रोडों से, बड़ी परेशानी है पुलिस वालों की बहुत। और चारों तरफ से झाड़ियाँ हो रही हैं, कोई भी चीज़ें हैं। अब इनसे कहो तो प्रस्ताव नहीं, ये नहीं, पैसा नहीं, सब ये सब बताते हैं, कोई आगे करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी जो मांग है सुनी नहीं जा रही, हम ये कहेंगे कि हमारी मांगें सुनी जाए और आगे जो भी है हम जंगलात वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है पिंजरे की मांग की जा रही है, मैं उच्च स्तर से वार्तालाप करके तुरंत इसमें जो है आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध करता हूँ। किसी गश्त तो रेगुलर हो रही है, आप देखें हमारा स्टाफ रात भी जा रहा है, रोड साइड जगह जहाँ जहाँ हो रहा है हम लोग रेगुलर पूरा मूवमेंट कर रहे हैं। और क्षेत्र पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ना होके ये पूरे कालाढूंगी में अलग अलग क्षेत्रों में जो है गुलदार की सब आई जा रही है। तो वहाँ ग्राम समाज से लेकर पंचायत ग्राम प्रधान के द्वारा जो है रोड साइड अपना घर के काम करवाए। हाँ, जहाँ जंगल की स्थिति आ रही है वहाँ पर हम लोग को स्वयं कर रहे हैं।